नेता भी तो आखिरकार आम इंसान ही होता है ना, तो फिर नेताओं को अलग क्यों समझा जाता है? जो नियम कायदे आम जनता के लिए बने हुए हैं वो नेताओं के ऊपर क्यों लागू नहीं होते? हालांकि अब इस मामले में राजस्थान के हालात बदलने वाले हैं, यह सब कर दिखाया है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। जी हां, आम आदमी की तरह सिग्नल पर अब मुख्यमंत्री का काफिला रुकेगा। मुख्यमंत्री शर्मा अब हर आदमी की तरह ट्रैफिक में चलेंगे। रेड सिग्नल होने पर उनका काफिला भी चौराहों पर आम पब्लिक की तरह रुकेगा। इसकी शुरुआत सीएम ने बुधवार रात ओटीएस सर्किल पर आमजन की तरह रुक कर दी है। हालांकि सिक्योरिटी ने उनकी गाड़ियों को घेरे रखा, वहीं सीएम को इस तरह भीड़ में खड़ा देख ट्रैफिक में खड़े आमजन भी काफी सरप्राइज दिखे। कुछ लोग सीएम की फोटो खींचते हुए भी नजर आए। सीएम के इस फैसले पर पुलिस प्रशासन ने अमल करना भी शुरू कर दिया है। डीजीपी को सीएम ने फोन करके कहा कि आमजन को कोई परेशानी न हो, उसके लिए कदम उठाया है। डीजीपी यूआर शाहू ने बताया कि उनके पास सीएम का फोन आया कि उनके सिटी में चलने के दौरान लोगों को परेशानी होती है, कई बार देखा गया है कि लोग अधिकांश समय में ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इसलिए इस तरह का प्लान बनाया जाए जिससे कि वह सड़क पर निकले तो लोगों को परेशानी ना हो। सीएम की मंशा आमजन को राहत देने की है, तो इस पर काम किया जा रहा है। सीएम के इस फैसले को लेकर इंटेलिजेंस, एडीजी, जयपुर पुलिस कमिश्नर एक बार फिर चर्चा करेंगे, जिसके बाद प्लान बनाया जाएगा। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।